ना तो एनर्जी रिलीज होती है बाय मिक्सिंग ऑफ दोज कंपोनेंट, ना तो एनर्जी वो लो वीक है तो वेपर प्रेशर ज्यादा है तो पॉजिटिव गैस स्टेट में चले जाएंगे, फ्यू ऑफ द मॉलिक्यूल कम्स ओवर हियर फ्रॉम लिक्विड टू गैस। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस हम लोग पढ़ रहे हैं सॉल्यूशन, राइट। और सॉल्यूशन के हमने पिछले अपने वीडियोस देखे होंगे तो हमने सॉल्यूशन के व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूट, सॉल्वेंट ये कंप्लीट कर लिया था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कंप्लीट कर लिया था एक वीडियो में। दूसरे वीडियो में हमने कंप्लीट किया था व्हाट इज एक्चुअली द कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूट और कैपेसिटी ऑफ अ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व सॉल्यूट, राइट। उसके बाद फिर हमने कंप्लीट कर लिया था क्या, दैट इज व्हाट इज दैट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, बराबर है। और उसके बाद द इफेक्ट ऑफ यू नो सॉल्युबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ फैक्टर और फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑन सॉल्युबिलिटी लाइक द नेचर ऑफ अ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। और इफेक्ट ऑफ प्रेशर में हमने बच्चों पढ़ा क्या था, हमने पढ़ा था हेनरीज लॉ, राइट। नो ये हमने कंप्लीट कर लिया था हेनरीज लॉ, राइट। अब आगे वाले आज जो टॉपिक है हमारा, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इन लिक्विड इन लिक्विड, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग एक और इंपॉर्टेंट लॉ आज पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड रॉल्स लॉ, ठीक है। अब बच्चों वेपर प्रेशर यानी क्या, सिंपली वेपर प्रेशर क्या है वो समझ लेते हैं इन शॉर्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। जैसे कि जब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आएगा तब तो हम लोग डेफिनेटली उसके ऊपर डिस्कस करेंगे ही। हालांकि वेपर प्रेशर ये टर्म 11th स्टैंडर्ड में हो चुका है अपना, राइट ना। वेपर प्रेशर 11th स्टैंडर्ड में आप लोग पढ़ चुके होंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस, उसमें आपने वेपर प्रेशर कंप्लीट किया होगा, उसमें आपने सर्फेस टेंशन कंप्लीट किया होगा, उसमें आपने विस्कोसिटी कंप्लीट किया होगा, राइट। तो वेपर प्रेशर यानी क्या, सिंपली देखो कभी भी कोई लिक्विड हम लोग अगर किसी क्लोज कंटेनर में रख दे, समझ लो ये बीकर है और उसको मैंने एक ग्लास लीड से क्लोज कर लिया और यहाँ पे सारा लिक्विड पार्टिकल्स है, राइट। ओके लिक्विड पार्टिकल्स, अब लिक्विड पार्टिकल्स जो भी हो, सॉल्वेंट वाटर ले इमेजिन कर लो आप, वाटर जो भी वाटर मॉलिक्यूल जो प्रेजेंट होंगे ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड वो क्या हो जाएंगे, वो इवोपरेट होंगे ईजिली और वो लिक्विड गैस स्टेट में चले जाएंगे। फ्यू ऑफ द मॉलिक्यूल कम्स ओवर हियर फ्रॉम लिक्विड टू गैस, उसमें से कुछ मॉलिक्यूल कंडेंस बैक करके लिक्विड स्टेट में आ जाएंगे। इस तरह से यू नो इवोपरेशन एंड सेकेंड वन इज कंडेंसेशन, ये प्रोसेस होती रहेगी। एक सर्टन टाइम आएगा जब इवोपरेशन और वेपराइजेशन एंड कंडेंसेशन दोनों का रेट सेम हो जाएगा, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन हो जाएगी, तब कुछ सर्टन मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट लिक्विड विल प्रेजेंट इन द गैसियस स्टेट और वो सब कुछ प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। सो वॉट एवर द प्रेशर एग्जर्टेड यू नो बाय द वेपर्स ऑफ दैट लिक्विड विच प्रेजेंट अबाउ द लिक्विड सर्फेस इज कॉल्ड टू बी वेपर प्रेशर। आई एम रिपीटिंग, हाँ वेपर प्रेशर यानी क्या, द प्रेशर एग्जर्टेड बाई वेपर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड, ठीक है। द प्रेशर एग्जर्टेड बाई वेपर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड, ओके, विच प्रेजेंट अबाउ द लिक्विड सर्फेस इज कॉल्ड टू बी वेपर प्रेशर, ठीक है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड हम लोग कंप्लीट करेंगे आज, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों स्टेटमेंट स्टार्ट कर लेते हैं रॉड्स लॉ का। रॉड्स लॉ क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट पार्शियल वेपर प्रेशर of any volatile component of solution is equal to the vapor pressure of that component of that component multiplied by its mole fraction, for the solution multiplied by its mole fraction in the solution. This is the statement of a Rawls law. बच्चों अगर आपने आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि what is Rawls law या फिर explains Rawls law, आपने ये statement जरूर लिखना है, आपको एक marks यहाँ पे मिल जाएगा। क्या है statement? It states that partial vapor pressure of any volatile component of a solution is equal to the vapor pressure of that component multiplied by its mole fraction in the solution. ठीक है बच्चों? Okay, अब इसका exactly meaning क्या है? चलो ये समझते हैं।
तो पहले हम लोग वो समझने के लिए कंसिडर कर लेते हैं कि कोई बाइनरी सोल्यूशन है। हमने बाइनरी सोल्यूशन क्या है वो पढ़ा लिया था, ठीक है। व्हाट इज बाइनरी सोल्यूशन? बाइनरी सोल्यूशन आर दोस सोल्यूशन कंटेनिंग टू कंपोनेंट, एक सोल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा, ठीक है। सो सपोज वी आर हैविंग अ बाइनरी सोल्यूशन, ठीक है। ये बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ द टू कंपोनेंट ए वन एंड ए टू, राइट। ओके, अब ए वन एंड ए टू ये दो कंपोनेंट हो गए, क्या है? वोलाटाइल कंपोनेंट, और दोनों क्या है बच्चों? बोथ आर वोलाटाइल सब्सटेंस, ठीक है। बोथ क्या है? वोलाटाइल सब्सटेंस, ठीक है। बोथ आर वोलाटाइल, चलो, तो दोनों वोलाटाइल सब्सटेंस है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग फिर एक जस्ट विल डिस्कस वॉट इज एक्चुअली दिस पार्शियल वेपर प्रेशर एज वेल एज दी वेपर प्रेशर। कंसिडर करो कि पी वन एंड पी टू, ठीक है, पी वन एंड पी टू, पी वन एंड पी टू आर दी वेपर प्रेशर, यू नो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द टू टू कंपोनेंट। तो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं पी वन एंड पी टू, आई राइट ओवर हियर पार्शियल वीपी लिख रहा हूं मैं बच्चों शॉर्ट में वेपर प्रेशर के लिए, वीपी वेपर प्रेशर ऑफ ए वन एंड ए टू, ठीक है। P not 1 and P not 2 is the vapor pressure of A1 and A2 respectively, ठीक है, and X1 and X2 ये क्या हो जाएंगे? मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ A1 and A2। तो ये ध्यान में रखना है हमें कि एग्जैक्टली क्या वो टर्म डिनोट कर रहा है। P1 P2 क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट, हमें वही लिखना है बच्चों। हमें क्या नोट करना है? हमें पार्शियल वेपर प्रेशर ही देख लेना है, पार्शियल वेपर प्रेशर, राइट। देन सेकंड इज दिस वन, क्या है? दैट इज P01 एंड P2, P02, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ दैट A1 एंड A2 एंड X1 X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ A1 एंड A2, ठीक है। देखो अब यहां पे नोट किया है हमने A1 एंड A2 दोनों वोलेटाइल कंपाउंड है। वोलेटाइल कंपाउंड यानी क्या? ऐसे लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड बेसिकली, जो इवोपरेट होते हैं एट रूम टेम्परेचर, यानी कौन से होंगे? पेट्रोल है, डीजल है, एल्कोहल है, एसीटोन है, ठीक है, डायमिथाइल ईथर है। तो ये सारे जो कंपोनेंट है ये आसानी से इवोपरेट होते हैं रूम टेम्परेचर पे, राइट। ओके, तो ऐसे सब्सटेंस को हम लोग क्या कहेंगे? दिस वन वोलाटाइल सब्सटेंस, और वो डेफिनेटली वोलाटाइल सब्सटेंस तो इजिली इवोपरेट होंगे, तो उतना ही वेपर फॉर्म होगा और वही वेपर सारे वेपर प्रेशर में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, आई एम राइट ना, ठीक है। इवोपरेटिंग सब्सटेंस क्या होंगे? जो इजिली इवोपरेटिंग सब्सटेंस है, वोलाटाइल सब्सटेंस है, इवोपरेट होंगे तो गैस फॉर्म में हो जाएगा। अब जैसे ही गैस फॉर्म में होंगे तो वो तो वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट करने ही वाला है, राइट। तो यहां पे अगर समझ लो ये दोनों कंपोनेंट वेपराइज हो रहा है, हमने बीकर में रख दिया है, ओके, ए वन एंड ए टू ओवर हियर, और यहां पे ये गैसियस फॉर्म का फॉर्म कर रहा है गैसियस फॉर्म में, तो ये जो वेपर प्रेशर, वेपर जो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे वो तो दोनों सब्सटेंस का होगा। अब इंडिविजुअल वेपर प्रेशर क्या होगा, यानी ए वन का वेपर प्रेशर कितना है एग्जैक्टली, या फिर ए टू का वेपर प्रेशर कितना है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड पार्शियल वेपर प्रेशर। यू गॉट द पॉइंट कि रॉड्स लॉ हमें क्या एक्सप्रेस कर रहा है? रॉड्स लॉ हमें एक्सप्रेस ये कर रहा है कि कोई भी वोलाटाइल सब्सटेंस है तो वो तो इजीली ऑपरेट होके गैसियस फेज में चला जाएगा, और गैसियस फेज में चला जाएगा तो वो तो वेपर्स जो होंगे वो सारे वॉट एवर नंबर ऑफ सब्सटेंस, हमने तो यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर किया, बट अगर ज्यादा कंपोनेंट हो गए तो वो सारे कंपोनेंट वहां पे कंट्रीब्यूट करेंगे वेपर प्रेशर में। तो उस समय जो वो टोटल वेपर प्रेशर है उसमें इंडिविजुअल वेपर प्रेशर क्या है, किसका? इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ ए वन, इंडिविजुअल वेपर प्रेशर ऑफ ए टू, वो एग्जैक्टली क्या है? दैट इज एक्चुअली एक्सप्रेस बाय द रॉड्स लॉ। तो जो इंडिविजुअल वेपर प्रेशर है वही है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट, यानी एक तो हो सकता है ये ए वन का एज वेल एज ओवर हियर ए टू। समझ रहे हैं कि रॉड्स लॉ क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? अंडरस्टूड ना? ओके, चलो, तो हमने ये तो कंसिडर कर लिया पी वन पी टू वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए वन ए टू, पी नॉट वन पी नॉट टू वेपर प्रेशर ऑफ A1 and A2, X1, X2, mole fraction of A1 and A2. तो according to this statement, क्या exactly हो सकता है हमारा ये equation that will write over here, ठीक है? चलो तो next page पे चले जाते हैं, तो equation के ऊपर focus कर लेते हैं. Yeah, so based on statement only, we can write partial vapor pressure of first component, यानी कौन सा हो गया बच्चों? P1. P1 is equal to, क्या है statement देख लो? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। अगर मैं A1 के लिए कंसीडर कर लूं तो वेपर प्रेशर क्या है उसका?
A1 का वेपर प्रेशर P01 मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसका, A1 का क्या है, X1। सो इक्वेशन आ जाएगा P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1। समझ में आ रहा है? ओके, P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1। अंडरस्टूड? सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ रॉल्स लॉ, अंडरस्टूड, ऑफ एनी वोलाटाइल कंपोनेंट। सिमिलरली वी कैन राइट फॉर द सेकेंड वन ऑल्सो। तो P2 इज इक्वल टू P02 इंटू X2 बराबर है, P2 इज इक्वल टू P02 इंटू X2। समझ में आ गया? सो द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट A1 इज इक्वल टू मोल वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट A1। ठीक है, सिमिलरली पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A2 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ A2 मल्टीप्लाई बाई इट्स मोल फ्रैक्शन दैट इज X2। तो ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ A1 एज वेल एज A2 बेस्ड ऑन रॉल्स लॉ, अंडरस्टूड। अब दोनों कंपोनेंट टोटल वेपर प्रेशर क्या होगा, अगर दोनों प्रेशर हम लोगों ने, दोनों प्रेशर किसका, A1 का और A2 का, अंडरस्टूड, A1 का और A2, ये A1 एंड A2 ये दोनों कंपोनेंट को का वेपर प्रेशर अगर हमने मिक्स कर दिया, मतलब P1 एंड P2 हमने एड ऑन कर लिया, तो हमें मिल जाएगा क्या, टोटल वेपर प्रेशर। सो फॉर दैट रीजन, ठीक है, फॉर पी टोटल क्या लिखेंगे हम लोग, मैं नीचे लिख लेता हूं टोटल, यानी टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, मैं लिख लेता हूं P1 प्लस P2, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। समझ में आ गया P1 एंड P2 क्या है वो, ओके, टोटल प्रेशर है ये P1 एंड P2, ओके। अब यहां पे देख लो बच्चों, तो ये P1 यानी क्या, P01 इंटू X1 है, तो मैंने लिख लिया P01 इंटू X1 प्लस P2 क्या है, P02 इंटू X2, ओके, तो मैं यहां पे P2 लिख लेता हूं, P02 इंटू X2। चलो, तो यहाँ पे P01 वेपर प्रेशर ऑफ A1, X1 मोल फ्रैक्शन ऑफ A1, P02 वेपर प्रेशर ऑफ A2, X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ A2। समझ में आ रहा है? ओके बच्चों, मोल फ्रैक्शन का 11th स्टैंडर्ड में इक्वेशन पढ़ा होगा आपने, ठीक है, कि मोल फ्रैक्शन इज डिनोटेड बाय दिस वन, एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इज इक्वल टू 1, X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2, ठीक है, X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2। यहाँ पे X1 की वैल्यू है, तो ये X1 की वैल्यू, ये 1 माइनस X2 से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग ऊपर वाले इक्वेशन में, है कि नहीं, X1 को रिप्लेस करेंगे किसे, 1 माइनस X2 से, क्योंकि X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1, सो X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2। तो मैं यहाँ पे अगर लिख लेता हूँ दैट इफ X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2 देन इक्वेशन क्या होगा हमारा, देन पी टोटल इज इक्वल टू, ये देख लो P01, ठीक है, ये P01 है, ये X1 को रिप्लेस कर रहा हूं किससे, 1 माइनस X2 से, इंटू 1 माइनस X2 प्लस P02 इंटू X2। समझ में आ गया? ओके, अब मैंने X1 को तो रिप्लेस कर दिया 1 माइनस X2 से, अब ये P01 से 1 को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, P01 से X2 को भी मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां पे P01 इंटू, ये आ जाएगा P01 इंटू X2 प्लस P02 इंटू X2, ठीक है। चलो, ये तो हो गया, अब मैंने P01 से मल्टीप्लाई कर लिया किसको, 1 को, एज वेल एज X2 को, एक मिनट, साइन मैंने गलत लिख दिया, P01 माइनस होना चाहिए यहाँ पे, एक मिनट, P01 माइनस P01 इंटू X2, ठीक है, प्लस P02 इंटू X2। अब यहाँ पे X2 है बच्चों, यहाँ पे X2 है, X2 को कॉमन ले लेता है, तो फाइनल इक्वेशन मेरे लिए हो जाएगा दैट इज P टोटल इज इक्वल टू ये P02 माइनस ये P01, ब्रैकेट में ले लेता हूं मैं X2 प्लस ये P01। तो ये मेरे लिए जो इक्वेशन है, ये मेरा फाइनल इक्वेशन है किसका, रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड वेयर बोथ द कंपोनेंट आर वोलाटाइल इन नेचर, अंडरस्टूड, ठीक है। सो दिस इज ओवरऑल द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फटाफट रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद आगे वाला टॉपिक पे चले जाते हैं। देखो, रॉल्स लॉ क्या है, इट स्टेट्स दैट पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन। तो अगर मैंने बाइनरी सॉल्यूशन फॉर, लिख लेता हूं, फॉर ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ A1 एंड A2 वेयर बोथ द कंपोनेंट आर वोलेटाइल, P1 एंड P2 पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A1 एंड A2, P01 एंड P02 वेपर प्रेशर ऑफ दैट A1 एंड A2 एंड X1 एंड X2 मोल फ्रैक्शन ऑफ A1 एंड A2, तो बेस्ड ऑन दिस ओनली वी कैन राइट P1 इज इक्वल टू P01 इंटू X1,
पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A1 इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ A1 इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A1 दैट इज X1। सेम वे P2 इज इक्वल टू P02 इनटू X2। टोटल प्रेशर कैसे करेंगे, जब दोनों प्रेशर हम लोग प्रेशर प्रेशर एड ऑन करेंगे A1 एंड A2 का, दैट इज P1 एंड P2। तो हमने P1 की वैल्यू लिख दी P01 इनटू X1, P2 इज इक्वल टू P02 इनटू X2। अब यहाँ पे हमने ये X1 को रिप्लेस कर दिया 1 माइनस X2 से, क्योंकि हमने पढ़ा था X1 प्लस X2 इज इक्वल टू 1, अंडरस्टूड। तो उसके बेसिस पे आ जाएगा X1 इज इक्वल टू 1 माइनस X2। अब टोटल प्रेशर का आ जाएगा, ये तो P01 तो है ही, ये X1 को रिप्लेस कर दिया किससे, 1 माइनस X2 से, प्लस P02 इनटू X2। अब यहाँ पे बच्चों ये P01 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 से एज वेल एज टू दी दिस वन X2। तो P01 इनटू 1 दैट इज P01 माइनस साइन ये इधर आ गया, P01 इनटू X2 प्लस P02 इनटू X2। अब यहाँ पे X2 है, यहाँ पे X2 है, तो वो कॉमन लेना है। तो ये आ गया हमारा P02 माइनस P01, ये लिख दिया P02 माइनस P01, ये X2 कॉमन ले लिया और ये प्लस P01। सो दिस इज ओवरऑल द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ दिस वन द बाइनरी सोल्यूशन वेयर बोथ द कंपोनेंट आर वोलाटाइल इन नेचर। तो ये हमारे लिए फाइनल एक्सप्रेशन हो गया, किसके लिए, रॉड्स लॉ के लिए। बच्चों 2 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछेंगे आपको डेफिनेटली, राइट, जहां पे आपको स्टेटमेंट लिखना है और पूरा ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखना है रॉड्स लॉ के लिए। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। ठीक है, रॉल्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन वेयर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ अ वेपर फेज। बच्चों देखो, रॉल्स लॉ का कंपोजिशन फॉर अ वेपर फेज हम लोग फाइंड कर सकते हैं, यू नो जनरली द कंपोजिशन ऑफ अ वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन कैन बी फाइंड आउट विद बाय कंसीडरिंग y1 एंड y2 as the mole fraction. क्या है, instead of x1 and x2 हमने यहाँ पे express किया था क्या, x1 x2 mole fraction. ठीक है, ये x1 and x2 mole fraction, here x1, ये x2. तो instead of x1 and x2 हम लोग लिख लेते हैं y1 and y2. So the composition of a vapor in equilibrium with the solution can be identified by the equation p1 is equal to y1 into p. p01 लिख दिया मैंने, p1 should be there actually. p1 is equal to y1 into p and p2 is equal to y2 into p, where ये यहाँ पे p1 क्या express कर रहा है, vapor pressure of और partial vapor pressure of a1, p2 partial vapor pressure of a2, y1 एंड y2 ये क्या है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। ठीक है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, वहां पे x1 x2 था, यहां पे हमने साइन चेंज कर दिया है, y1 और y2 ले लिया है। तो y1 मोल फ्रैक्शन ऑफ a1, y2 मोल फ्रैक्शन ऑफ a2 एंड ये जो p है दैट इज टोटल प्रेशर। ठीक है, टोटल प्रेशर, क्योंकि दोनों वोलेटाइल है तो और गैस फेज में है, तो टोटल प्रेशर ही हमें कंसिडर करना पड़ेगा। सो दिस इज ओवरऑल द यू नो इक्वेशन, विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ अ वेपर which is in equilibrium with the solution. ठीक है, the composition of a vapor component or a vapor phase which is in equilibrium with the solution. Understood? ठीक है, तो this is the equation that we need to remember over here. ठीक है, P1 is equal to Y1 into P and P2 is equal to Y2 into P. P1, P2 क्या है, partial vapor pressure of A1 and A2 and Y1, Y2 mole fraction and P that is the total pressure, because दोनों volatile है, दोनों gassy है actually, तो total pressure ही आ जाएगा वहाँ पे, understood? So this is all about the composition of a vapor phase. चलो, now the next two terms are there which actually related with the Rawls law, that is ideal solution and the non-ideal solution. ठीक है, क्या है, ideal solution और दूसरा क्या है, non-ideal solution. तो basically पहले हम लोग characteristics पढ़ लेते हैं ideal solution की, सारे ideal solution क्या है actually and what is then non-ideal solution. तो ये भी हम लोग note कर लेते हैं, understood, ideal solution as well as non-ideal solution. ठीक है, तो शुरू करते हैं ideal solution का पहले characteristics point, the number one is, now ideal solution are those solution which obey the Rawls law over entire range of concentration. ठीक है, so simply we can write over here, this obey Rawls law over entire range entire range of concentration. समझ में आ गया, Rawls law क्या है, ideal solution are the solution which obeys the Rawls law over entire range of a concentration. तो जो भी ऐसे solution है जो obey कर रहा है Rawls law, उनको बोलते हैं ideal solution. ठीक है, चलो, now next one, the ideal solutions are those solution
when we mix actually the component which forming the ideal solution, there will be no absorption of a heat energy or no release of a heat energy. ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन और जो भी हम लोग कंपाउंड जो है या फिर कंपोनेंट्स है सॉल्यूशन के जो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहा है, हम लोगों ने उनको मिक्स कर दिया, ना तो एनर्जी रिलीज होती है बाय मिक्सिंग ऑफ दोज कंपोनेंट, ना तो एनर्जी वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं. यानी सिंपली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे डेल्टा एम आई एक्स एच इज इक्वल टू जीरो. ओके, डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो. व्हाट इज डेल्टा एच बच्चों? डेल्टा एच इज द एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन. बराबर है, एंथैल्पी यानी क्या? जो एनर्जी चेंज होगी बाय मिक्सिंग, तो वो एक्सप्रेस करता है डेल्टा एच. तो डेल्टा एम आई एक्स यानी डेल्टा एंथैल्पी ऑफ अ मिक्सचर एक्चुअली. ठीक है, उसको रीड करते हैं हम लोग, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ अ मिक्सचर, सो दैट विल बी इक्वल टू जीरो ओवर देयर. यानी जो भी आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करने वाले कंपोनेंट है मिक्स कर देंगे, ना तो एनर्जी वो रिलीज करेंगे, ना तो एनर्जी वो एब्जॉर्ब करेंगे. चलो, ये तो सेकंड पॉइंट हो गया. नाउ द थर्ड पॉइंट इज डेल्टा वी और डेल्टा एम आई एक्स वी इज इक्वल टू जीरो. इसका मतलब क्या है बच्चों? व्हेनेवर वी मिक्स द कंपोनेंट विच फॉर्मिंग द आइडियल सॉल्यूशन, जब भी हम लोग कोई कंपोनेंट मिक्स करेंगे जो फॉर्म करता है आइडियल सॉल्यूशन, ना तो उससे, ना तो नहीं बोल सकते कि उससे बाय मिक्सिंग द टू से कंपोनेंट देर विल बी नो चेंज इन वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम चेंज होगा ही नहीं. यानी ऐसे कंपोनेंट जो आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं हमने मिक्स कर दिए, तो उनका वॉल्यूम चेंज होगा ही नहीं. वॉल्यूम चेंज होगा नहीं, तो चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो ओवर देयर. ठीक है, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो ओवर देयर. समझ में आ गया? तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या लिखना है हमें? डेल्टा H इक्वल टू जीरो, सेकेंड वन डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो. ठीक है, अब फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स. नाउ द आइडियल सॉल्यूशन में देखो, सॉल्यूशन है तो वहां पे क्या होगा? सॉल्यूट सॉल्यूट होगा. बराबर है, वहां पे सॉल्यूट होगा, सॉल्वेंट होगा. बराबर, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स. बराबर, तो बच्चों सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में इंटरेक्शन होगा, सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एट द सेम टाइम सॉल्यूट पार्टिकल एज वेल एज सॉल्वेंट पार्टिकल में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा. समझ में आ रहा है? ओके, कोई भी ऐसे सॉल्यूशन हम लोग फॉर्म कर रहे हैं, दो मेजर कंपोनेंट तो होंगे, एक तो सॉल्यूट होगा, दूसरा सॉल्वेंट होगा. तो सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एट द सेम टाइम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में भी अट्रैक्टिव फोर्स होगा. समझ में आ गया? सो इन एन आइडियल सॉल्यूशन, देखो सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन आर कंपेरेबल. इसका मतलब क्या है कि जो भी इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है सॉल्यूट सॉल्यूट का, इवन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स आर ऑलमोस्ट इक्वल, आर ऑलमोस्ट सेम. अंडरस्टूड? सो ऐसे सॉल्यूशन होंगे तो उन्हीं को हम लोग बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन. ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट सॉल्यूट, सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑलमोस्ट इक्वल होगा, ऑलमोस्ट कंपेरेबल होगा. ठीक है, एंड द लास्ट वन दैट इज द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ आइडियल सॉल्यूशन. देखो फॉर आइडियल सॉल्यूशन द वेपर प्रेशर ऑलवेज लाइज between vapor pressure of pure components. इसका मतलब क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूट एंड अ वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट. ना तो उनसे ज्यादा होगा, ना तो उनसे कम होगा. अंडरस्टूड? ठीक है, तो जो भी वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूट का, जो भी वेपर प्रेशर होगा सॉल्वेंट का, इन दोनों के बीच में ही वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन होगा. अंडरस्टूड? ना उससे ज्यादा, ना उससे कम. सो फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन वेपर प्रेशर, यानी वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन ऑलवेज लाइज बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ दैट प्योर कंपोनेंट. प्योर कंपोनेंट यानी क्या हो गए बच्चों? एक तो सॉल्यूट होगा एंड सेकंड वन इज सॉल्वेंट. तो इन दोनों वेपर प्रेशर
सोल्यूट एंड सॉल्वेंट उनके बीच में ही लाई करेगा वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। सो दीज आर फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट, क्या याद रखना है, दो मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज आइडियल, व्हाट आर आइडियल सॉल्यूशन और एक्सप्लेन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो या फिर सिंपली एक ही मार्क के लिए आ गया डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन, तो क्या लिखेंगे, द सॉल्यूशन व्हिच ओबे द रॉल्स लॉ आर कॉल्ड टू बी अ आइडियल सॉल्यूशन। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट वही है, ओबे द रॉल्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। देन सेकंड, डेल्टा एच इज इक्वल टू जीरो, यानी एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू जीरो, डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो, एंथैल्पी ऑफ चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू जीरो ओवर हियर फॉर द आइडियल सॉल्यूशन। इन द आइडियल सॉल्यूशन सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्वेंट सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन are comparable, and for the ideal solution vapor pressure is always lies between vapor pressure of a solute and the vapor pressure of solvent, yani lies between the vapor pressure of pure component, understood। to ye hamare liye ho gaya this one ideal solution। uske baad fir bachcho chale jayenge hum log for the non ideal solution, vapor pressure complete, ye ideal solution complete kar liya humne, ab chale jayenge for the non ideal solution, understood। ओके, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है एक्जेक्टली, तो अगेन विल सी द कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, पहली चीज, ठीक है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में ऐसे सॉल्यूशन है, ओके, अरे हाँ एग्जांपल तो भूल गए हम लोग, यहाँ पे एग्जांपल डालना, एग्जांपल क्या है आइडियल सॉल्यूशन का, तो से एसीटोन, एसीटोन और आप अगर मिक्स कर दो, से फॉर एग्जांपल एसीटोन एंड बेंजीन, बेंजीन एंड टोल्यून, या फिर और दूसरा एग्जांपल कौन सा दिया है यहाँ पे दैट आइडियल सॉल्यूशन फॉर्म करता है, दैट इज या बेंजीन एंड टोल्यून ओनली, तो आइडियल सॉल्यूशन बेंजीन प्लस टोल्यून, बेंजीन एंड मिथाइल बेंजीन मिक्स कर दो तो आपको आइडियल सॉल्यूशन। बच्चों एक चीज मैं बताऊं आपको, ऐसे नेचर में कोई सॉल्यूशन नहीं वो जो आइडियली बिहेव करता है, सो फॉर प्रैक्टिकल पर्पस और फॉर प्रैक्टिकली देयर इज नो एनी सॉल्यूशन विच इज आइडियल, ठीक है। एक आइडियल सॉल्यूशन कोई नहीं है, जैसे इंसान एकदम परफेक्ट नहीं है, सॉल्यूशन भी इतने आइडियल या परफेक्ट है नहीं, अंडरस्टूड। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ ओबे कर रहा है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे द रॉल्स लॉ, ठीक है। तो विल राइट हियर, ठीक है, डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ, वो क्या होंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, अंडरस्टूड, नॉन आइडियल सॉल्यूशन डू नॉट ओबे दी रॉल्स लॉ। अब यहां पे बच्चों फॉर दी वेपर प्रेशर, ठीक है, जनरली सेकंड पॉइंट इज अबाउट दी वेपर प्रेशर, सो द वेपर प्रेशर वीपी, यानी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओके, वेपर प्रेशर, सो द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑलवेज हायर और लोअर देन प्योर कॉम्पोनेंट, ठीक है, देन प्योर कॉम्पोनेंट। वेपर प्रेशर क्या होगा, एक तो ज्यादा होगा या फिर कम होगा देन दी प्योर कॉम्पोनेंट, समझ में आ गया, वेपर प्रेशर मे बी हायर और वेपर प्रेशर लोअर देन दी प्योर कॉम्पोनेंट। ओके चलो, नेक्स्ट थिंग अबाउट दिस वन इज डिविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ, ठीक है, डिविएशन फ्रॉम द रॉल्स लॉ। हियर बच्चों हम लोग दो टाइप की डिविएशन पढ़ेंगे, ए ले लेता हूं मैं, दैट इज पॉजिटिव डिविएशन, एंड बी नेगेटिव डिविएशन। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव डिविएशन में हम लोग क्या एक्चुअली पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन कैसा है सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, या फिर सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, ठीक है, और उसके उससे उसकी वजह से वेपर प्रेशर एक्चुअली उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन का क्या है। सो एनी सॉल्यूशन व्हिच फॉर्म्स द से द सॉल्यूशन वेयर सॉल्यूट, एक मिनट इसको इंक चेंज करूं तो दैट विल बी बेटर आई थिंक सो ना, ठीक है, ओके, सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन आर वीकर, ठीक है, द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन आर वीकर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट, ओके,
क्या होगा, देखो इफ द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है वीक है, ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नहीं, देन द सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, इससे इससे होगा क्या बच्चों, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन इज हायर, ठीक है, वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी हायर देन द प्योर कंपोनेंट्स, ओके, देन द प्योर कंपोनेंट एंड दिस सॉल्यूशन एग्जिबिट इट्स पॉजिटिव डिविएशन। समझ में आ गया, अगर डिविएट होना है तो पॉजिटिवली डिविएट होगा, किस वजह से, क्यों डिविएट होगा पॉजिटिवली, क्योंकि अट्रैक्शन जो है किसका, सॉल्यूट दिस वन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का, वो थोड़ा सा वीक होगा कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीक है तो वो आसानी से वेपर फेज में चले जाएंगे, बराबर है, उसकी वजह से वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी हायर, वेपर प्रेशर क्या है बच्चों, हायर है, एंड दैट्स व्हाई दिस सॉल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव डिविएशन। नाउ द नेक्स्ट वन दैट इज नेगेटिव डिविएशन, नेगेटिव डिविएशन। अब बच्चों इसमें क्या हमें देखना है कि अगेन सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन किस तरह का है, ठीक है, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है किस तरह का, अंडरस्टूड। तो देखो बच्चों इन दिस केस द सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, उसका एग्जैक्टली अपोजिट लिखना है हमें, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर, ठीक है, आर स्ट्रॉन्गर देन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, ठीक है। अब देख लो बच्चों यहां पे मैंने लिखा है क्या, सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर, सॉल्यूट सॉल्वेंट अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है कंपेयर टू सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट अट्रैक्शन। अगर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा, इजीली वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स वेपर फेस में जाएंगे नहीं, वेपर प्रेशर पॉजिटिव डिविएशन में हायर था, अभी वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोअर। सो वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन सॉल्यूशन इज लोअर, देखो वेपर प्रेशर क्या है बच्चों, लोअर है देन प्योर कंपोनेंट, सो हियर दे एग्जिबिट नेगेटिव डिविएशन। अंडरस्टूड, ठीक है, दे एग्जिबिट नेगेटिव डिविएशन। तो कहां पे फोकस कर रहे हैं, वेपर प्रेशर के ऊपर, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन के ऊपर, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीक है तो वेपर प्रेशर ज्यादा, वेपर प्रेशर ज्यादा है तो पॉजिटिव डिविएशन बताएगा, अगर सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर है तो क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर विल बी लो, वेपर प्रेशर विल बी लो देन एग्जिबिट नेगेटिव डिविएशन। समझ में आ गया। सो गाइज यहां पे हम लोग ये वीडियो ये लेक्चर एंड करते हैं, जहां पे हमने आज पढ़ लिया क्या, पहले हमने पढ़ा कि रॉड्स लॉ क्या है, ठीक है, व्हाट इज द रॉड्स लॉ स्टेटमेंट, उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, उसके बाद फिर हमने कंप्लीट कर लिया कि दैट कंपोजिशन ऑफ वेपर फेस एंड द टू इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज आइडियल सॉल्यूशन, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट। समझ में आ गया बच्चों, तो यहाँ पे हम लोग ये लेक्चर एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फर्दर टॉपिक हम लोग लेके आएंगे, ठीक है, तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।